सिया राम जय 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 राम सिया राम जय रघुनंदन जय जय सिया राम रघुनंदन जय जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम। प्रिय भक्तजनों, रविंद्र जैन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत की जा रही सुनो श्री राम कहानी के पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे श्रवण कुमार के अंधे माता पिता के श्राप के परिणाम स्वरूप महाराज दशरथ को पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागने पड़े। साथ ही आपने श्रवण कुमार की अपने माता पिता के प्रति भक्ति और उनके अंधे माता पिता के तप का प्रभाव जानने वाली कथा सुनी। अब हम आपको सुनो श्री राम कहानी के अगले एपिसोड में वे प्रसंग सुनाएंगे जिनमें श्री भरत जी और श्री शत्रुघ्न जी को उनके ननिहाल से वापस बुलाने और अयोध्या में उनकी प्रतिक्रियाएं आदि सम्मिलित हैं। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी के निश्चित रूप से वन चले जाने का समाचार मंत्री सुमंत्र जी द्वारा सुनकर दशरथ जी ने राम राम कहते हुए अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। कर्म गति और विधाता की लेखनी का प्रभाव देखिए कि चार चार महारथी पुत्रों के होने के उपरांत भी दशरथ जी के अंत समय में एक भी पुत्र उनके पास में नहीं था। ऐसी दशा में उनके प्राणहीन शरीर को तेल की नौका में रख दिया गया और अयोध्या से शीघ्रगामी दूतों को कई कई देश भेजकर वहां से भरत और शत्रुघ्न को अयोध्या वापस बुलाया गया। एही विधि सोचत भरत मन धावन पहुंचे आए। गुरु अनुशासन श्रवण सुनी चले गणेश मना। समाचार सुनते ही दोनों भाई वहां से पवन वेग से अयोध्या की ओर चले और जैसे तैसे अयोध्या के राजमहल में प्रवेश किया, जहां उन्हें राम भैया, सीता भाभी और प्रिय भाई लक्ष्मण के वन गमन और पिता दशरथ के मरण का समाचार प्राप्त हुआ। भरत ही बिसरे उपितु मरण सुनत राम बन गोनु। हे तु अपन पाऊ जान जिए थकित रहे धरि मौनु। श्री राम के वन गमन का समाचार सुनकर भरत अपने पिता के मरण को भूलकर राम के वन गमन पर वे बहुत ही घोर पश्चाताप करने लगे। भरत और शत्रुघ्न दोनों की मनोदशा कही नहीं जा सकती। फिर भी इस प्रसंग को सरस्वती पुत्र रविंद्र जैन जी ने अपनी रचना रविंद्र रामायण में जिस प्रकार समेटा है वह आप भी सुने। शत्रु
शत्रुघ्न भरत ननिहाल में जाकर धाम अयोध्या लौट आए। शत्रुघ्न भरत ननिहाल में जाकर धाम अयोध्या लौट आए। वन गमन राम का मरण पिता का सुन मन ही मन पछताए। निज पुत्रों के अनुपस्थिति में महाराजा ने प्राण तजे। हम भाग्यहीन अंतिम क्षण में तुलसी दल भी उन्हें दे न सके, उन्हें दे न सके। शत्रुघ्न भरत ननिहाल में जाकर धाम अयोध्या लौट आए। धाम अयोध्या लौट आए। धाम अयोध्या लौट आए। प्रिय भक्तजनों, भरत जी को जब इन सारे अनर्थों का वास्तविक कारण पता चला तो वे क्रोध से जल उठे। उन्होंने बहुत पश्चाताप करते हुए रोष में भरकर अपनी माता कैकेयी का परित्याग कर दिया और बोले, प्रायश्चित अब यही है मेरा, परित्याग करता मैं तेरा, परित्याग करता मैं तेरा। तेरी भी ममता तरसेगी, माँ संबोधन नहीं सुनेगी, माँ संबोधन नहीं सुनेगी। हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भाई, विधि सन कछु न बसाई। भरत जी पश्चाताप करते हुए कहते हैं कि मुझे सूर्य वंश जैसा निर्मल वंश मिला, दशरथ जी जैसे महान पिता और राम लक्ष्मण जैसे पराक्रमी भाई मिले। पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई, क्या कहें, विधाता पर कुछ भी वश नहीं चलता। भरत जी अपनी माता कैकेयी की ओर से किए गए पापों का प्रायश्चित करने के लिए हाथ जोड़कर आंसू बहाते हुए पहुंच गए माता कौशल्या के पास। भरत जी को ऐसा लग रहा था कि राज परिवार सहित पूरे राज्य वालों को ऐसा लग रहा होगा कि कैकेयी के इस षड्यंत्र में भरत का भी हाथ होगा। अपने भैया राम के प्रति ऐसी बात सोचकर भी वे ग्लानि से मरे जा रहे थे। पितु सुरपुर बन रघुबर के तू, मैं केवल सब अनरथ है तू, धिग मोहि भयऊ बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूसन भागी, दूसन भागी। भरत जी कह रहे हैं कौशल्या माता से, पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं, केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूं। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोष का भागी बना। कौशल्या माता ने भरत को गोद में बिठा लिया, स्वयं रोते हुए भी उनके आंसुओं को पोंछा, बहुत समझाया और विश्वास दिलाया कि भरत, हम सबको ये पता है कि इसमें
तुम्हारी सहमति तनिक भी नहीं है। तुम अपने मन पर बिल्कुल बोझ मत डालो। भरत जी को समझाते हुए गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आज। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आज। उठे भरत गुरु वचन सुनी, करन चले सब काज, करन चले सब काज, करन चले सब काज। हे तात भरत, हृदय में धैर्य धारण करो और आज जिस कार्य को करने का अवसर है उसे पूरा करो। गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने जो कुछ कहा था वो सब तैयारी करने के लिए चल पड़े। लौकिक और वैदिक रीतियों का निर्वाह करते हुए भरत जी ने गुरुदेव के निर्देशानुसार अपने पिता चक्रवर्ती महाराजा दशरथ जी की अंत्येष्टि का प्रबंध किया। तेल की नाव में डुबाकर रखे गए महाराज दशरथ के शव को पूरे राजकीय सम्मान के साथ सरयू जी के तीर पर लाया गया। वहां चंदन, अगरू तथा विभिन्न औषधियों के साथ चिता तैयार की गई और उस पर महाराज दशरथ का शरीर रखकर भरत जी ने मुखाग्नि दी। एहि विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत नहाई तिलांजलि दीनी। सोधि सुमृति सब भेद पुराना, कीन्ह भरत दस गात विधाना। इस प्रकार दाह संस्कार की सारी क्रिया पूरी की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी और वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता के दश गात्र विधान अर्थात 10 दिनों के क्रियाकर्म का संकल्प लिया। प्रिय भक्तजनों, विश्व प्रसिद्ध धारावाहिक रामायण में भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्र को बड़ी भावुकता, प्रभाविकता और प्रामाणिकता के साथ दिखाया गया है, जिसमें रविंद्र जैन जी के गीत संगीत ने नए प्राणों का संचार किया। राम कथा के इस मार्मिक प्रसंग को भी रविंद्र जैन जी ने बड़ी मार्मिकता के साथ रचा है, जिसे प्रसंगवश आप सबको भी सुनना चाहिए। जीवन के इस महादर्शन से मुख नहीं मोड़ा जाए हो। मृत्यु तो है ध्रुव सत्य हमें हर मृतक यही समझाए हो। जीवन के इस महादर्शन से मुख नहीं मोड़ा जाए हो। कितने दिन तक दशरथ का तन तेल में रखा डुबाए हो। चार पुत्र पर
एक निकट नहीं, सदगति कौन कराए हो। जीवन के इस महादर्शन से मुख नहीं मोड़ा जाए हो। चार दिशा में विजय पताका जो राजन फहराए हो। काल से हार के यों सोए फिर जागे नहीं जगाए हो। जीवन के इस महादर्शन से मुख नहीं मोड़ा जाए हो। कुटुंब कबीला मृतक से ऐसे अपना ने निभाए हो। पहले जला कर भस्म करे फिर जल में भस्म बहाए हो। जीवन के इस महादर्शन से मुख नहीं मोड़ा जाए हो। जीव तो जग में आए जाए विधि का लिखा निभाए हो। आत्मा के संग धर्म चले और कर्म ही अमर बनाए हो। जीवन के इस महादर्शन से मुख नहीं मोड़ा जाए हो। मुख नहीं मोड़ा जाए हो। मुख नहीं मोड़ा जाए हो। स्नेही भक्तजनों, भगवान श्री राम की इस भाव भरी अनुपम कथा में बस आज यहीं तक। अगले प्रसंगों के साथ अगले एपिसोड में पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित होंगे। साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे की कथाओं को सुनते रहें। धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। सिया राम जय राम जय जय। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। सिया राम जय राम जय जय। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम।